पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के पहले कॉन्वोकेशन में कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मुइन नासिर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर डीन डॉक्टर तकी जाहिद भट्ट, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर शाहिद मुनीर और डॉक्टर मोहम्मद रफीक समेत फैकल्टी मेम्बरान और ग्रेजुएट तलबा मौजूद थे। कॉन्वोकेशन में बी एस ऑनर्स मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के 64 और बी एस केमिकल इंजीनियरिंग के 35 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गयी। डॉक्टर जफर मुइन नासिर ने कहा कि ग्रेजुएट तलबा हमारा असासा है और उन्हें मुल्की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आपकी तालीम आज मुकम्मल हुई और अब ये आपका इखलाकी फर्ज है, आपका इखलाकी फर्ज है कि इस कौम को भी पे बैक करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर कर्ज है और कर्ज आपके साथ ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, कर्ज अदा करना चाहिए। डीन डॉक्टर तकी जाहिद भट्ट का कहना था कि डिपार्टमेंट की सतह पर कॉन्वोकेशन के इनेकाद का मकसद ग्रेजुएट तलबा की हौसला अफजाई करना है। आप सबको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि आपका इल्मी सफर खत्म नहीं हुआ, यह डिग्री तो इस लंबे सफ़र का सिर्फ़ एक अहम संग मील है। आपको मजीद इलम के असूल के लिए कोशिशें जारी रखनी है। आप हम सब के लिए बायस फ़ख्र हैं, आप ही मुल्क और कौम का हकीकी सरमाया हैं और आप ही की बदौलत हमारा मुस्तकबिल महफूज है। कॉन्वोकेशन में सेशन 2012-16 के पास आउट ग्रेजुएट तलबा कहते हैं कि वो अमली जिंदगी में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों में इजाफा करके मुल्क की तरक्की का बायस बनेंगे। कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42।